समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। जबलपुर में दिवाली के दूसरे दिन हुई चाकूबाजी की घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। पनागर थाना अंतर्गत ग्राम पटरा उमरिया स्कूल के पास लगभग 3 बजे के आसपास 3 लोगों ने घेरकर चाकू से किया था हमला। घटना में गंभीर घायल युवक संतोष दुबे की आज मंगलवार को इलाज के दौरान विक्टोरिया अस्पताल में मौत हो गई। वहीं पुलिस पर लगाए गए लापरवाही पूर्वक कार्रवाई करने के आरोप। ग्रामीण जनों और परिजनों ने पनागर थाने में शव रखकर किया प्रदर्शन। SI मयंक यादव को निलंबित करने की भी मांग की। DNA करवा लो। हम कह रहे चार पीना मानते, जो दारू पिए तो वो पीना मानते, लेके जो नहीं पिए तो वो पीना मानते। ये बोला गया कि अभी रिपोर्ट नहीं आई तुम्हारी, तुम जाओ थाने, जब वहां से थाने लेके आया। केवल पुलिस और अस्पताल की लापरवाही से इस तरह से की जान लेते और मुझे संतोष को निलंबन चाहिए। और जब तक नहीं होगा साहब लेबर पाने के लिए हम सब लोग जा रहे हैं। सौरभ पटेल, रमन पटेल, सोनू पटेल, इन 3 लड़कों ने मारा है। तो 2 लोग देख रहे हैं, अमन यादव और एक सोनू पटेल। अभी जो चर्चा हुई है आपकी, वो मांगे आपने 2 मांग करी थी, 3 मंजूर करी। दोनों SI को तत्काल हटा और डॉक्टर को तत्काल हटा दिया। ये दोनों कार्रवाई आज ही अभी तत्काल। हम लोग भी चाहते हैं कि दिवंगत आत्मा को अब शांति के लिए इतना बड़ा प्रयास आगे भेजा, और हम चाहते हैं कि हम अपने क्रियाक्रम और संस्कार के काम करें। थाने में सब रखकर कुछ लोग यहाँ बैठे हुए थे, किन विषय को लेकर बैठे थे? हाँ, ये 1 तारीख को यहाँ पे एक घटना हुई थी, एक युवक के साथ में चाकूबाजी थी। इसमें थाना पनागर द्वारा मामला पंजीबद्ध किया गया था। आज उस व्यक्ति की मौत हो गई। इसमें जो जनता था उसके अंदर संबंधित डॉक्टर और जो कार्मिकर्ता उनके अगेंस्ट में आक्रोश था, और उसी को लेके ये लोग। जैसे मैडम परिजनों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि थाने में बहुत समय लगाया गया रिपोर्ट लिखने में, नहीं ऐसा नहीं है। थाने में जो भी समय लगाया गया है, जो भी उनके आरोप है उसकी जांच की जाएगी जी। और थाने में जैसे ही सूचना प्राप्त होती है कार्रवाई की गई थी, और उसमें अगर किसी की कोई लापरवाही है तो उनके खिलाफ में जो भी जाँच होते लगाने कार्रवाई है। मैडम अभी संबंधित जिनके ऊपर शिकायतें की गई उनके ऊपर भी कुछ पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है? जैसा जन आक्रोश है कि मतलब इनने गलती की है और लोगों का ऐसा मानना था कि इनकी गलती की वजह से ऐसा हुआ है, तो अभी हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उनके निर्देश में बताया गया है कि उनको यहाँ थाने से हटा के अन्यत्र पदस्थ किया गया। मतलब किनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है? ये SI मयंक हैं और एक SI ठाकुर हैं। ये थी आज की खबरें, और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।